हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी आई क्यू एंड दिस इज विपुल मलिक। आज हम 2 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो नीचे जाइए, रेड कलर का बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, नासा के न्यू होराइजंस अंतरिक्ष यान ने 1 जनवरी 2019 को अब तक के सबसे दूर के अंतरिक्ष चट्टान को पार किया है। इस दूरस्थ अंतरिक्ष चट्टान का नाम क्या है? देखिए, जो नासा के न्यू होराइजंस अंतरिक्ष यान है उसने 1 जनवरी 2019 को अब तक के सबसे दूर के अंतरिक्ष चट्टान को पार किया है। आपको उस दूरस्थ अंतरिक्ष चट्टान का नाम बताना है क्या है, ठीक है? तो अल्टीमा थुले, केलियम, डिमोस या फिर डेक्रो। तो इसका उत्तर है आपका ए, अल्टीमा थुले, ठीक है? उस चट्टान का नाम क्या है, अंतरिक्ष चट्टान का नाम है अल्टीमा थुले। तो अंतरिक्ष की सभी जो दूरी है उनको ज्ञात करते हुए यह है अब तक की सबसे सबसे लंबी दूरी जो तय की है इस न्यू होराइजंस नासा के अंतरिक्ष यान ने तय की है, ठीक है? और जिस अंतरिक्ष चट्टान का को इसने पार किया है उस अंतरिक्ष चट्टान का नाम क्या है, अल्टीमा थुले। देखिए, आपको मैं बता दूं, भारतीय समय के अनुसार 11:03 पे यह कुईपर बेल्ट पर पहुंच चुका था। यह जो एक स्थान है ब्रह्मांड के पार, ठीक है, क्या नाम है, कुईपर बेल्ट। अमेरिका में स्थित एक फिजिक्स लैब के अनुसार यह पृथ्वी से अभी 6.4 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब 6.4 अरब किलोमीटर की दूरी पर पहुँच चुका है। और यह वहाँ पहुँचने के बाद यह जानकारी जुटाएगा कि पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है? तो ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साइंस एंड टेक के लिए, तो ध्यान रखना है। चट्टान का नाम क्या है, अल्टीमा थुले। कितनी दूरी पर अभी यह है, 6.4 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। किस लिए इसको नासा ने भेजा है, ठीक है, न्यू होराइजंस प्रोजेक्ट के तहत नासा ने किस लिए भेजा है, ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए कि पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2018 में संरक्षित और राष्ट्रीय महत्व के 6 स्मारकों को घोषित किया है। इन 6 घोषित स्मारकों में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शामिल नहीं है? देखिए, 2018 में संरक्षित और राष्ट्रीय महत्व के 6 स्मारकों को घोषित किया गया है, उनमें से इन, और आपके सामने जो ऑप्शन लिखे हुए हैं हर ऑप्शन में 2 है, टोटल 6 ही लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से जो है 2 नहीं है शामिल। देखिए, जिन 6 स्मारकों को इसमें जोड़ा गया है उसमें आपका आगरा, आगरा की हवेली, हाथीखाना आगरा, नीमराना बावरी अलवर, कांच महल आगरा, ये 3 शामिल है, ठीक है? सिर्फ कांच महल आगरा को उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हुआ, डी, कांच महल आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को T20 टीम 2018 का कप्तान बनाया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, मिताली राज, समीमा सुल्ताना, हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंदाना। तो ऑब्वियसली बात है, 4 ऑप्शन इंडिया से है तो इंडिया से ही कोई ना कोई होगा। तो इसका उत्तर आपका हरमनप्रीत कौर। इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए इन्हें T20 टीम का कप्तान बनाया गया है 2018 का, ठीक है, हरमनप्रीत कौर। आई होप इनको आप सब जानते होंगे। अब बात कर लेते हैं वनडे की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को वनडे टीम 2018 का कप्तान बनाया है? T20 में कौन, किसको कप्तान बनाया गया, हरमनप्रीत कौर को। और वनडे में किसको कप्तान बनाया गया है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने, एलिसे पैरी, मिताली राज, मैग लैगिंग लैनिंग और सूजी बेस्ट। तो इसका उत्तर आपका डी, सूजी बेट्स, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। इनके अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इन्हें 2018 वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017 जो अभी भी संसद में लंबित है, ठीक है, पेंडिंग है, भारत के निम्नलिखित किस चिकित्सा निकाय में से किसकी जगह लेना चाहता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, निखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, सॉरी, अखिल भारतीय नेत्र रोगी सोसाइटी, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर आपका सी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है? भारत में मेडिकल की जो पढ़ाई है उसको, जो जो सुविधाएं हैं उसको अच्छा करने के लिए ये जो है विधेयक लाया गया था 2017 में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग।
जो अभी भी संसद में लंबित है, और ये किसकी जगह लेना चाहता है, ये मैंने आपको भी बताया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की शीघ्र सुधारात्मक योजना यानी कि पीसीए आंशिक रूप से निम्नलिखित में से किस बैंक की मुख्य सेवाओं में से एक है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, तो इसका उत्तर है आपका ऋण। भारत के कुल 21 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से 11 जो है आरबीआई के पीसीए ढांचे के अंतर्गत है, जो इन बैंकों के ऋण देने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। भारत के कुल 21 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से आरबीआई के पीसीए ढांचे के अंतर्गत कितने हैं? 11। और ये किस पे प्रतिबंध लगाता है? इनके ऋण देने पे, इनकी ऋण देने की सीमाओं पे प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सरकार ने दिसंबर 2018 में से निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी डाली है? भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी डाली है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, जो इसका उत्तर है वो है आपका यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे इनकी ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, 2 जनवरी करंट अफेयर्स में इतना ही, कल फिर सुबह हम करंट अफेयर्स के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, महत्वपूर्ण लगते हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसके बाद कल फिर मिलते हैं सुबह के टाइम।